अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जी देखें, इस्लामी उसूल तजारत के कोई रूल शरी तरीके हम देख रहे हैं। पीछे हमने बैत सलम के बारे में देखा है कि बैत सलम किस तरह की जाती है, किस तरह कम चीज़ को थोड़ा सा रेट कम करके पहले पैसे दे के क्वांटिटी और टाइम तय करके और उसको वो किया जाता है। अभी हम देखेंगे एजेंट के बारे में, जो कमीशन का जो मसला है या मनी ट्रांसफ़र के बारे में आप समझ लें, जो पैसे भेजते हैं। देखें, इसमें एजेंट कमीशन की बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। कमीशन आप एजेंट को कमीशन भी दे सकते हैं, फ़ीसद के लिहाज से भी दे सकते हैं। फ़ीसद वाला बेहतर है, जो भी चीज़ है उसके आप उसका फ़ीसद तय कर लें जिस हिसाब से वो बेच रहा है, और सैलरी में भी बाज़ ने रखा होता है फिक्स, तो इसका मतलब मुलाजम भी समझ लें, वकील समझ लें, किसी से तरफ से मुलाजम समझ लें, वकील समझ लें, एजेंट समझ लें, एजेंट भी कहते हैं। तो एजेंट दोनों तरफ से भी बड़ा कमीशन ले सकता है, ये भी एक मसला है इसमें। क्या वो दोनों तरफ से ले सकता है? बाज़ कहते हैं एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से अगर मेहनत करता है दोनों तरफ से भी ले सकता है, और इसमें कोई धोखा ना हो। इसमें धोखे की शक्ल नहीं होनी चाहिए कि इसमें जिसकी चीज़ बेच रहा है वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा करके तो अपने पास रख ले, नफ़ा नुकसान मालिक का होता है। तो इसमें कोई ऐसी शक्ल ना हो, धोखे वाली काम हलाल हो और कमीशन बता के ले, जिससे ले रहा है उसको बताना ज़रूरी है, जिसको बेच रहा है उसको तो चलें, अगर उसको से भी कमीशन ले रहा है तो उसको भी बताना ज़रूरी है कि मैं आपसे ये लूँगा, और जिसका माल बकवा रहा है उससे भी कमीशन लेनी तो उसको भी बताए, जिसको ख़रीद के दे रहा है उससे बताना बड़ा ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पीछे क्या ले रहा हूँ। हाँ, उससे अगर लेता तो उससे भी फिर बताए, तो उससे मतलब ये बताए कि ये मैं आपसे इतनी लूँगा, पीछे क्या लिया वो उससे उसका लिंक नहीं है। तो ये इसमें है मसला है कि इसमें कोई धोखे की शक्ल ना हो। हाँ, कोई खुद मालिक कह देगा आप ये चीज़ 50 की है, 60 की बेच दें, 10 ऊपर वाले आपके, ये उससे ऊपर आप जितने की बेचें वो आपकी, तो फिर तो ठीक है, उसने इजाज़त दे दी। लेकिन बंदा अपनी तरफ से कोई कहता है ये 50 की बिकवा दें या ज़्यादा से ज़्यादा बिकवा दें, तो बंदा इसमें एक चीज़ 1 लाख की बेच के कहे आपकी 80 की बिकी है, तो ऊपर 20 भी रख ले और कमीशन भी ले ले, तो ये धोखा है। ठीक है ना, ऐसी शक्ल नहीं बननी चाहिए। तो ये कमीशन के कोई रूल है, कमीशन सैलरी में भी तय कर लेगा आपकी, ये जितने की भी बिके मेरा, मैंने 20,000 लेना है या 50,000 लेना है, ये भी शक्ल है। बर बेहतर यही है कि फ़ीसद में तय कर लें कि जो इतने भी की भी आप चीज़ बिकेगी मेरा बच्चे 10% या 5% या 3%, तो ये रजामंदी के कायदे के तहत हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ कहता है जी ये 50 की बिकवा दें तो वो 60 की बेच देता है, तो ये पैसे ऊपर वो भी मालिक ही होंगे। जैसे अल्लाह के नबी ने किसी साहबी को बकरी लाने के लिए बेचा दिरहम दे के, तो उन्होंने दिरहम भी ले आए साथ और बकरी भी ले आए, बकरी ली और उसको डबल बेच दिया महंगा करके, फिर दिरहम से बकरी खरीद ली और बकरी भी साथ ले आए, जितने दिरहम दिए वो भी साथ ले आए, तो उन्होंने तो नफ़ा किया, फ़ायदा किया, तो नफ़ा फ़ायदा मालिक का ही है, तो इस असूल के तहत। इसी तरह इस ये असूल को आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे होटल वगैरह में मुलाजम वगैरह रखे होते हैं तो वो अगर टिप लेते हैं तो ये बताएं मालिक को, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, मैं जैसे भी करूँ, उसमें भी धोखा नहीं होना चाहिए। या मालिक को बताए, मालिक ये भी हो सकता है तो तनख्वाह से कटौती कर सकता है, उसके पास अख्तियार है, क्योंकि एक हदीस में होती है अल्लाह के नबी ने एक शख्स को ज़कात का माल लेने के लिए भेजा, तो वह ज़कात के साथ कोई और भी चीज़ ले आया, तो कहने लगा अल्लाह के नबी ये मेरी है, तो कहने अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम घर जा कर बैठो तो तुम्हें कोई चीज़ देगा, इस काम की वजह से मिली है। तो इसीलिए जो मुलाजम रखे होते हैं होटलों में और ओनर वगैरह को पता हो कि ये टिप अगर ले रहे हैं तो ये उनको उनको पता हो इसका, क्योंकि उनके काम की वजह से ये ले रहे हैं, उन्होंने रखे है उसकी वजह से उनको मिली है, ठीक है ना, तनख्वाह तो वो लेते ही हैं, तो इसलिए ये इस काम पर भी अप्लाई हो सकता है। और जो इसमें एक और मसला, जो पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं वो भी उलमा का फतवा है कि वो मनी ट्रांसफ़र जो कर रहा है वो कमीशन ले सकता है, सर्वस ले सकता है, क्योंकि वो
एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि आपकी कोई चीज़ वो भेज रहा होता है। तो वैसे जैसे कोई कहता जी मेरे पैसे हैं तो ये आगे किसी के पास भेज दें, तो वो सर्विस के तौर पे कुछ ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर 10,000 भेजता है तो वो कहता है 100 रुपये मैं चार्ज करूँगा, तो वो ले सकता है, ये कोई सूद नहीं है, ये सर्विस के पैसे वो लेता है। तो ये इसमें मसला है। और कमीशन के बारे में मैं एक और बात बता दूं, बाद लोग कहते हैं जी कमीशन जो है ना एजेंट कमीशन ये गलत है, ये दोनों तरफ से नहीं ले सकते, एक तरफ से ले सकते हैं, इसकी पहले भी बात है, इसकी कोई दलील नहीं है, दोनों तरफ से भी ले सकते हैं। हदीस से मिलता है कि अल्लाह के नबी ने एक शादी कराई और लड़की वालों की तरफ से भी अल्लाह के नबी थे और लड़के वालों की तरफ से भी अल्लाह के नबी थे, तो दोनों को कहा अल्लाह के नबी ने कि लड़का अच्छा है, लड़के वाले को कहा लड़की अच्छी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ से इजाज़त लेकर शादी करा दी। तो पता चला कि दोनों तरफ से भी कमीशन बंदा ले सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से भी एक दलील मिलती है, एजेंट दोनों तरफ से भी ले सकता है, क्योंकि तजारत में एक रूल है रजामंदी। तो रजामंदी के कायदे के तहत ये हो सकता है, क्योंकि तजारत को अल्लाह ने हलाल किया और सूद को हराम, तजारत की वो सब शक्लें हलाल हैं, वो इसके अलावा जो हराम है वो बता दी गई हैं, बाकी सब हलाल है, क्योंकि हलाल जो है ना वो अनलिमिटेड है, हराम लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर कोई तजारत में वो कहता है ये चीज़ हराम है, तो दलील उसको देनी पड़ेगी जो बोल रहा है कि ये हराम है, दलील वो देगा, दूसरा नहीं। तो ये इसमें मसला है, हमने देखा मनी ट्रांसफ़र और ये जो एजेंट कमीशन के बारे में आज हमने ज़्यादा तफसील देखी है कि दोनों तरफ से भी ले सकता है, कोई धोखा ना करे, काम हलाल हो, मेहनत कर रहा है तो ले सकता है, इसमें कोई धोखी शक्ल ना हो, अगर कोई फ़ायदा करता है तो वो मालिक क्या, अगर मालिक खुद इजाज़त दे दे कि ये चीज़ इतने की बेच दो, ऊपर आप जितने भी बेचें वो आपके, तो ये भी शक्ल हो सकती है। तो ये है इसमें मसला है, मज़ीद आगे भी हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें देखेंगे कि और क्या क्या इस्लामी असूल हैं तजारत के, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।